गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड इट्स अ मिंत्रा विंटरवेयर हॉल और मैंने बहुत सारे स्वेटशर्ट, हुडीज, जैकेट, पुलोवर्स एंड सब मंगाए हुए। सारे बहुत क्यूट क्यूट है एंड बहुत कूल भी है बहुत सारे। मतलब ये वीक तो दोनों जो भी कॉन्टेंट आएंगे, मतलब थर्सडे एंड संडे, दोनों ही मिंत्रा के स्वेटशर्ट और विंटरवेयर होंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट सोर्स कर रखे थे। एंड अगर मैं उनकी वीडियो नहीं बनाई टाइम पे तो वो सारे रिटर्न हो जाएंगे एंड कोई फायदा नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द वीडियो एंड सी व्हाट आई गॉट फ्रॉम मिंत्रा। टुडेज हॉल विद द वन आई एम वेयरिंग, इट्स अ स्वेटशर्ट, इट्स फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर। इसको मैंने मीडियम साइज भी लिया है। सो टॉकिंग अबाउट दिस स्वेटशर्ट, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इफ यू आर समवन जिसको बहुत ही फंकी और कूट कूट से लुक पहनना पसंद है, देन आपको ये बहुत पसंद आएगा। मैंने इसको मीडियम साइज में ले रखा है एंड मीडियम साइज बहुत सही लग रही है। इवन स्मॉल साइज ही बहुत सही होती, एक्स्ट्रा स्मॉल थोड़ी सी मुझे लगता है कम बैगी लुक देगी, बट स्मॉल एंड मीडियम काफी अच्छी लगेगी। अगर आपकी मेरी तरह बॉडी है ना, तो आप स्मॉल मीडियम किसी पे भी जा सकते हो, दोनों ही आप पे काफी अच्छे लगेगी। मटेरियल काफी अच्छा है, सब ब्लैक कलर, तो आप इसको जम के पहन सकते हो ब्लू जीन्स के साथ वगैरह एंड ये सारे स्किन टोन पे भी जाएगा, तो ये काफी फंकी लगता है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेटली करना। मैं तो कहूंगी अगर आपकी साइज मिले तो आप एक बार डेफिनेटली इसको मंगा के देखो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। सामने से बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं करेगा, बिकॉज अभी मैं पंखे के नीचे बैठी हूँ इस स्वेटशर्ट को पहन करके, और मुझे ऐसा पसीना भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो बहुत ज्यादा ठंडी आई भी नहीं है, तब भी मुझे बहुत गर्मी वर भी नहीं हो रही है इसमें। कि जो भी प्राइस होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अकॉर्डिंग टू प्राइस 10/10 प्रोडक्ट आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट आई हैव इज दिस स्वेटर, इट्स अगेन फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर। इसका कलर ना रेड नहीं है, इसका ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन वाला जो कलर होता है ना, वो कलर है। इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया है, वो मुझे काफी अच्छे से फिट हो जा रही है। अगेन बहुत ही हल्का, बहुत ही ब्रीथेबल मटेरियल है। आपको बहुत ठंडी हुई है तो ये काम नहीं आएगा, बट वो जो हल्की वाली ठंडी होती है उसके लिए परफेक्ट है। एंड ये लेयरिंग के लिए परफेक्ट है, लाइक अंदर पहन लिया, इसके ऊपर जैकेट पहन लिया, बिकॉज ये बहुत ही हल्का है ना, तो वैसे में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, इसका जो स्लीव्स है ना वो ऐसा पफ स्लीव जैसा है, तो काफी अच्छा लुक हो जाता है स्वेटर में। आपको कुछ ऐसा वर्क वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ आपने एक बेसिक ब्लू जीन्स भी पहना ना, स्किनी जीन्स पहना या बैगी जीन्स पहना, जैसा भी, आप बहुत अच्छे लगोगे। एंड ये कलर ऐसा है कि वो सब पे खिल के आएगा। विंटर में भी अगर आपके पास बेसिक स्वेटर हो ना, तो आप उसको मतलब कोई भी बढ़िया से जीन्स के साथ पेयर कर लोगे एंड यू आर गुड टू गो। और काफी अच्छा भी लगता है, बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। सो यार यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन, इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, ये सब स्किन टोन पे काफी प्यारा लगेगा। बहुत ही लाइट वेट मटेरियल है, इसकी जो भी प्राइस होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँ। नेक्स्ट वी हैव इज दिस प्रोडक्ट एंड इट्स अ स्वेटर फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर अगेन। इसकी क्वालिटी आप पास से देखो, बहुत ही ज्यादा प्यारी, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था। एंड मैंने इसको स्किनी पैंट के साथ पेयर कर रहा था, आप इसको बैगी के साथ भी कर सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, ये भी हल्की ठंडी वाला जो सीजन होता है ना उनके लिए बेस्ट है। बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, मतलब आपने जो भी पहना है अंदर ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। कलर इज रियली नाइस, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया है, इसकी जो भी प्राइस पड़ी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस ना, इसका क्वालिटी, कलर वगैरह सब भी बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली इसको ट्राई करना। इसमें ना बहुत सारे कलर ऑप्शन भी थे, मैंने इसमें ना दो कलर ले रखा है, एक ये जो आप देख रहे हो एंड दूसरा वाला कलर था क्रीम एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वो भी मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। मैं कंफ्यूज थी दोनों को लेते टाइम कि मैं कौन सा मंगाऊं, तो मैंने दोनों को ही मंगा दिया। बट ये मुझे बेज और ब्लैक वाला ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, मुझे पहला वाला ज्यादा पसंद आया था। इसी कलर कॉम्बिनेशन, क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी है। कॉलेज वगैरह के लिए भी आपको चाहिए ना, तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो। लाइक ऐसा हर समय नहीं होता कि आप जैकेट पहनो या यू नो हैवी हैवी क्लोथ पहनो, तो ये हल्की ठंडी के लिए बिल्कुल बेस्ट है, आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल बहुत हल्का सा, ऐसा बहुत नहीं लगता कि आपने क्या हैवी हैवी सा पहन रखा है, मतलब वो ठंडी वाला जो होता है ना कि स्वेटर पहनना जम के, वैसा वाला कुछ सीन नहीं है। सो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से कोई भी ट्राई कर सकते हो, आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा हो। बट पर्सनली आई विल से कि ये वाला बहुत ज्यादा बढ़िया है। नेक्स्ट आई हैव इज दिस स्वेटर और इसको मैंने सिर्फ और सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन की वजह से लिया। यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन वो काफी क्यूट लग रहा था। इट्स फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर, इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया है। आपको थोड़ा पैकिंग लुक चाहिए तो आप मीडियम साइज पे भी जा सकते हो। इसका भी कलर क्वालिटी वगैरह काफी अच्छा है, ये भी बहुत हल्का सा, ऐसा नहीं है कि आपने क्या पहन रखा। सारे स्वेटर में बेस्ट पार्ट क्या है ना कि ये बहुत हल्के हैं, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने क्या पहन रखा है, बट गर्मी भी दे रहे हैं, सो वो बेस्ट पार्ट है स्वेटर्स के बारे में। की जो भी प्राइस पड़ी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसमें कलर ऑप्शन भी था, एक मरून कलर में भी था, बट मुझे मरून वाला उतना पसंद नहीं आ रहा था, बट इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा था, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट विद ग्रे।
सो या दैट्स ऑल. अगर आपको ये पसंद आए देन आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत हल्का सा मटेरियल है. अगर आपको बहुत ज्यादा बैगी लुक चाहिए ना, तो आप मीडियम या वैसे वैसे करके साइज पे जाना. मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया तो ऐसा लुक आ रहा है. ऑल्सो आप इसके साथ वाला लुक क्रिएट कर सकते हो, मतलब एक दो साइज अप पे जा करके एंड नॉर्मल जेगिंस के साथ इसको लाइक लॉन्ग स्वेटर की तरह भी पहन सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगेगा. नेक्स्ट वी हैव इज दिस स्वेटर. इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है. इट्स फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर. मेरे से ना गलती हो गई थी, मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में ऑर्डर कर दिया था. मुझे स्मॉल या मीडियम प्रिफर करना चाहिए था. पर्सनली ना मुझे ऐसे स्वेटर बिल्कुल पसंद नहीं है जो एकदम फिटेड फिटेड हो. मुझे मतलब अब लूज या बैगी क्लोथ ही पहनना पसंद है, वो भी विंटर में. तो अभी जो ट्रायल में आप देख रहे हो ना, वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज है. मैं तो ये कहूंगी अगर आपको लेना होगा ना, तो आप अपने साइज से एक दो साइज आप जा करके लेना. जैसे कि स्मॉल है तो मीडियम, एक्स्ट्रा स्मॉल है तो स्मॉल मीडियम, ऐसा करके. जो भी इसकी प्राइस होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. कलर इज रियली नाइस. मटेरियल इसका भी बहुत लाइट वेट है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने क्या पहन लिया. बस एक हाईनेक है. हाईनेक पे अगर आप अनकंफर्टेबल होते हो, मैं थोड़ी सी होती हूँ, मुझे हाईनेक पहनना बहुत पसंद नहीं है. बिकॉज वो गले में से कुछ कुछ लगता रहता है, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है. तो अगर आपको हाईनेक पसंद नहीं है देन आप इसको थोड़ा अवॉइड करना. अगर आपको पसंद है तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो. और मैं एक और बात कहूंगी कि आप ना बहुत साइज आप मत चले जाना, क्योंकि वो हाईनेक की ब्रॉडनेस भी बढ़ती जाती है उसके साथ. तो वो यहाँ पे फिर कुछ अजीब सा हो जाएगा, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा ज्यादा. तो आप उसके अकॉर्डिंग ही जाना. नेक्स्ट आई हैव इज दिस जैकेट एंड इट्स फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर. अगेन मैंने सारे रोस्टर के मंगा रखे हैं क्या, बट इट्स ओके. काफी अच्छा ब्रांड है मिंत्रा का. इसको मैंने मीडियम साइज में लिया है. इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है. प्रॉपर एक बॉक्सी क्रॉप जैकेट जैसा है और इसका वेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत हल्का सा वेट है. बहुत सॉफ्ट, बहुत ही कंफर्टेबल इसका मटेरियल है. कलर इज रियली नाइस. लाइक ये जो ब्लू कलर है विथ व्हाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन ना काफी अच्छा लगता है. आप इसको टाइट टाइट जीन्स के साथ या बैगी क्लोथ्स के साथ भी पहन सकते हो, बट टाइट टाइट जीन्स और जेगिंग्स के साथ ये काफी अच्छा लगता है. सो इसका कलर, क्वालिटी एंड वेट वगैरह काफी सही है. प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी जो भी प्राइस पड़ी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. अकॉर्डिंग टू प्राइस तो काफी सही है ये. आपको अगर लेना है तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो. इसका कलर वगैरह बहुत प्रिटी है, सब पे बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा. और अपने साइज से एक साइज अप भी चाहना ताकि थोड़ा सा और बैगी लुक क्रिएट हो और वो काफी अच्छा लगेगा. मैं आपको बोलूंगी आपकी जो साइज है आप उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल मत जाना, बिकॉज एक तो साइज अप जाओगे ना इतना प्यारा लगेगा कि मतलब बहुत प्यारा लगेगा. सो यार यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो. नेक्स्ट आई हैव इज दिस स्वेटर. ये स्वेटर भी काफी सुंदर है, मतलब बहुत ही क्यूट क्यूट सी वाइब देता है. बहुत ही हल्का है, लेकिन मतलब अगर आपको ये नवंबर के मौसम के लिए चाहिए या स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर लाइक 4-5 तक चाहिए तो आप जा सकते हो. इसका मटेरियल बहुत पतला है, बहुत ही हल्का वाला एकदम मटेरियल है. एंड आपको ये बहुत ठंडी, अरे सॉरी गर्मी आपको प्रोवाइड करने वाला नहीं है, बट अगर आपको फैशन मारना है तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हो. बहुत ही क्यूट सा है. अभी तो आप नवम्बर में तो जम के पहन सकते हो उसको, ठीक है. और वो जो ठंडी जब एंड होती है ना तब भी आप इसको जम के पहन सकते हो. मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया. मैं जनरली टॉप जो पहनती हूँ वो एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में पहनती हूँ. तो अगर आपको ये बैगी लुक उतना पसंद नहीं आ रहा और आपको और बैगी चाहिए ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग मीडियम, लार्ज, एक्सेल जो भी है आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए ले सकते हो. इट्स अ वेरी लाइट वेट स्वेटर. आप इसको ओपन करके भी पहन सकते हो, बंद करके भी पहन सकते हो, दोनों ही वे में काफी अच्छा लगेगा. और आपको ना स्लीव्स में ऐसा वो पफ स्लीव्स टाइप वाला इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, तो वो काफी क्यूट लगता है. आप इसको कॉलेज वगैरह में जस्ट खोल के भी पहन सकते हो, बंद करके भी पहन सकते हो, दोनों वे में ही काफी अच्छा लगेगा. सो या नेक्स्ट आई हैव इज दिस स्वेटर. इसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे ज्यादा बहुत ज्यादा प्यारा लगा था. इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया है. इसका कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, बट ये ना बहुत हल्का सा है, मतलब ये सी थ्रू भी है. तो आपको अंदर कुछ थोड़ा बहुत पहनना पड़ेगा, लाइक कैमिसोल वगैरह पहनना पड़ेगा, ताकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दिखेगा, बट हाँ थोड़ा बहुत सी थ्रू है और आपको ठंडी भी लगेगी. तो अगर आपको थोड़े बड़े हल्के वाले वेदर के लिए चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो. क्वालिटी इसकी अच्छी है, बहुत सॉफ्ट सा मटेरियल है. आप इसको स्किनी जीन्स के साथ पहनोगे तो काफी अच्छा लगेगा. और ये कलर भी ऐसा है बहुत क्यूट सी, बहुत अच्छी सी वाइब देने वाला. तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. मटेरियल काफी सॉफ्ट है, बहुत ही लाइट वेट है, हल्का सा सी थ्रू है, तो आपको वो ध्यान में रखना पड़ेगा. आप इसको बहुत ठंडी के लिए नहीं पहन सकते हो, एकदम हल्का वो जो नवंबर का स्टार्टिंग वाला ठंडा होता है उसी के लिए पहन सकते हो. इसमें ना आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जाना, बिकॉज अगर आप बहुत बड़ी साइज ले लोगे तो वो थोड़ा सा अजीब सा शोल्डर भागने लगता है, वो अच्छा नहीं लगता. तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जाना. सही हैव इज दिस हुडी. इतनी प्यारी हुडी है ना, मतलब इतनी ज्यादा प्यारी. इसका कलर बहुत ज्यादा प्यारा है. अगेन इसका भी कलर वो जो चटक वाला रेड होता है ना वैसा नहीं है, मतलब बहुत प्यारा वाला रेड है. तो पहनने पे काफी सुंदर लगता है एंड बहुत ही फंकी भी लगता है. लाइक ओवर साइज अगर आप इसको एक दो साइज आप जा करके ले लो तो काफी ज्यादा प्यारा लगता है.
मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया है और तब भी मुझ पे ऐसा बढ़िया सा बैगी सा लुक दे रहा है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इस फ्रॉम द ब्रांड रोस्टर, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत ही ऐसा मोटा वाला मटेरियल नहीं है बट ठीक है। इसका पूरा जो आर्म का लेंथ है उसमें जो डिजाइन किया हुआ है एंड ओवरऑल जो लुक है ना इसका काफी फंकी लगता है। आप इसको कार्गो वगैरह या कोई भी बैगी जीन्स के साथ पहनो ना तो वो काफी अच्छा लगेगा। इसको टक करके भी पहन सकते हो पीछे से एंड ऐसे खोल के भी पहन सकते हो, जनरली आप दोनों वे में पहन सकते हो इसको। ऐसा ऐसा ओवर साइज हुडी के थोड़ी दिक्कत होता है कि ऐसे खोल के पहनने में बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, टक करके पहनने पर ठीक ठीक होता है बट तब भी थोड़ा सा अनमैनेजेबल सा हो जाता है, बट इसके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे ओवर साइज चीजें नहीं समझती ना तो आप जो साइज है उसके अकॉर्डिंग ही जाना, मतलब ये आपका ओवर साइज लुक क्रिएट कर देगा। अगर आपको ओवर साइज और बहुत बैगी बैगी कपड़े पहनना पसंद है देन आप एक दो साइज अप पे भी जा सकते हो और वो काफी फकी लगेगा। सो यार वी हैव इज दिस स्वेटशर्ट, इट्स अ प्रिटी पिंक कलर स्वेटशर्ट, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी जो भी प्राइस पड़ी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी एंड अकॉर्डिंग टू प्राइस आई मस्ट से कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। इट्स फ्रॉम द ब्रांड ड्रेसबेरी और इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया है। मैं ना बैग पे बहुत अच्छी डिजाइन दी है, मैं ना ट्रायल ऑन में बैग से रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो आप जब भी लिंक खोल रहे ना आप उसका बैग डिजाइन देख लेना, वो काफी अच्छा है, बहुत ही फंकी सा है। आप इसको ना टक करके भी पहन सकते हो, आप इसको खोल के पहन सकते हो, आप दोनों वे में ही पहन सकते हो, दोनों ही वे में काफी अच्छा लगता है। एंड मैंने इसको स्मॉल साइज में लिया है ना और मेरी जनरल साइज भी स्मॉलेस्ट से स्मॉल है, तो मैं बोलूंगी कि मैं मीडियम और एल पे जा सकती थी, वो काफी फंकी सा लगता और बहुत बड़ा बड़ा सा लगता, और वो जो लॉन्ग हुडीज और स्वेट शर्ट होते हैं ना वैसा लुक क्रिएट हो सकता था। तो अगर वैसा क्रिएट करना है या आपको वैसा लुक बहुत पसंद है तो आप डेफिनेटली उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। कलर इज रियली नाइस, सब पे बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा, मटेरियल बहुत सॉफ्ट है एंड हाँ वो जो थोड़ी ठंडी अच्छी वाली ठंडी होती है ना इसका मटेरियल वैसा है कि ये उसमें हेल्पफुल रहेगा। मतलब जितने भी अभी तक हुडी स्वेट शर्ट और जो भी सब दिखाए ना तो वो सबके मटेरियल ऐसे थे कि वो हल्के ठंडी वाले होंगे, बट इसका मटेरियल वो जो थोड़ा सा हैवी वाला ठंडी पड़ता है ना वैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सही। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ टुडेज हॉल इज दिस स्वेटर, इट्स अ वेरी नाइस वेरी प्यारा सा स्वेटर, मतलब ये कलर कॉम्बिनेशन आपको पता ही कितना प्यारा लगता है। अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही प्यारा हल्का सा स्वेटर है, एवरीडे पर्पज स्वेटर है, आप इसको कॉलेज वगैरह में जब के पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर सा लगेगा। यू नो जीन्स के साथ पेयर कराया था, गुड टू गो, आप इसको जम के कॉलेज वगैरह में पहन सकते हो, इवन ऑफिस वगैरह में पहन सकते हो, काफी सिंपल में काफी स्टाइलिश लुक लगेगा। कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा प्यारा है, पैटर्न बहुत ज्यादा प्यारा है, लेकिन ऐसे पैटर्न तो लाइक सब कहीं रहता है इधर उधर की कहीं से मिल जाए। इसकी जो भी प्राइस पड़ी होगी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और इसको मैंने स्मॉल साइज में लिया है जो कि मुझे काफी अच्छे से फिट हो जा रही थी। ये थोड़ी फिटेड टाइप की स्वेटर है तो आप पे जितनी फिटेड रहेगी वो उतनी अच्छी लगेगी। अगर आपको फिटेड नहीं भी रखना आप एक तो साइज आप जाकर के थोड़ा सा लूज क्रिएट भी कर सकते हो, वो आप पे कम्प्लीटली। जो इसका फ्रंट में डिजाइन थी वो डिजाइन नहीं वो बटन है, आप उसको खोल के भी पहन सकते हो, काफी अच्छा लगेगा। ऑल्सो मतलब ऐसा वाला स्वेटर ना स्कर्ट वगैरह के साथ भी काफी सुंदर लगता है, तो आप वैसे भी लुक क्रिएट कर सकते हो, मतलब आप इसको बहुत वे में स्टाइल कर सकते हो। लाइक एवरीडे पर्पज से आपको ऐसा कुछ अच्छा अच्छा और मतलब प्रेजेंटेबल भी और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं और हल्का हल्का में जा रहा है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। सो या दैट्स ऑल, अगर आपको पसंद आई हो आज की वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।